हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉलीवुड की 2024 की मच वेटेड अपकमिंग मूवी बड़े मियां छोटे मियां की स्टोरी लाइन को लेकर। फ्रेंड, इस टाइम जो हॉट टॉपिक बड़े मियां छोटे मियां बना हुआ है और जो रिस्पॉन्स उसके टीजर को मिला है वो लिटली माइंड ब्लोइंग है। इतनी एक्सेप्टेंस इसके टीजर को मिली है, शायद की इतनी एक्सेप्टेंस संजू या एनिमल या डंकी के टीजर को मिली हो। क्योंकि जितने भी टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, क्योंकि उनके स्टार्स की लास्ट फ्यू परफॉर्मेंसेज बढ़िया नहीं रही, वो सारा बदला लेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। और उसकी रिलीज डेट भी बहुत बढ़िया ईद के मौके पर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद पर जो सलमान भाई भीड़ लगाते थे थिएटर्स में, इस बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ मिलकर वो भीड़ लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड, बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो अभी सोर्सेज और रूमर्स के अपडेट्स के मुताबिक इसकी जो बेसिक स्टोरी लाइन है, जो मेन प्लॉट है, वो थोड़ा सा रिवील होना स्टार्ट हो चुका है। बाकी तो जैसे इसका ट्रेलर आएगा तो सारे पर्दे हट जाएंगे इसकी स्टोरी से और हमें एक बेहतर एक क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी। फ्रेंड, स्टोरीज की आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे वार वन थी जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे, उसमें से भी काफ़ी रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिलेगी बड़े मियां छोटे मियां में, क्योंकि उसमें भी दो स्टार्स थे और दोनों आर्मी के ऑफिसर्स थे। इसमें भी दोनों स्टार्स हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, और दोनों आर्मी के ऑफिसर्स हैं। तो ज़रूर इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिस भी आएंगे जिसके लिए वो बाद में देश की खातिर वो ओवरकम भी कर लेंगे और एक साथ होकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। एंड साथ ही साथ में दूसरा जो के साथ सबसे बड़ा एडिशनल एडवांटेज होगा वो ऐसे साइंटिफिक मूवी बनाया जा रहा है। आपने टीजर में भी देखा होगा कि रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जिसका मकसद हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुस्तान पे ओवरकम करना है। तो आपको एक आर्मी का टच भी देखने को मिलेगा, आपको एक साइंटिफिक टच भी देखने को मिलेगा, जो कि एक मॉडर्न एज की जरूरत है। तो आप यूं समझ लें, आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड का तड़का एक ही मूवी में देखने को मिलेगा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ द्वारा। फ्रेंड, इस मूवी को बहुत लार्ज स्केल पे शूट किया गया है, काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में जाकर इसकी शूटिंग की गई है। इसके VFX पे अच्छा खासा खर्चा किया जा रहा है और फुल कोशिश की जा रही है कि ये मूवी 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन के सामने आए। फ्रेंड, मुझे पर्सनली लगता है कि जब वो विलन अटैक करेंगे इन पे अपने वो रोबोट से, अपनी वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से, तब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आर्मी को जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक जो सर्कल होती है, एक बाउंड्रीज होती हैं, उसके बाहर अपने आप को निकालेंगे, जो कि आपने टीजर में भी देखने को मिला है, जब टाइगर श्रॉफ ने कहा और अक्षय कुमार ने कहा कि दिमाग से शैतान और दिल से हिंदुस्तान है हम, तो यानी वो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर जाके अटैक करेंगे विलन पे और उसे कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें देखने को मिलेगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए। आप कितना एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।